था। जो बयान आ रहे हैं बीजेपी के, मैं उसी पर जाना चाह रही हूँ। कंचना जी, पहले आप जरा रिएक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। इसको हिंदू मुसलमान करके देखना सही होगा, या फिर ये सत्य है कि देश की डेमोग्राफी एक तरह से बदल रही है? जो बहुसंख्यक थे उनकी संख्या क्या 1950 के बाद से 2015 तक इस तरह से घटती रही है, और वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ये रिपोर्ट कह रही है? और ये रिपोर्ट जो है फैक्ट स्टेट करती है, ये कोई किसी तरह का कोई तनाव फैलाने के लिए रिपोर्ट नहीं आती है। देखिए, मैं आपको दो आंकड़े बताना चाहूंगी। चुनाव शुरू होने के पहले एक आंकड़ा आया था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। हमेशा जब कोई गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो कोई थर्ड एजेंसी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उसको कोट करती है, तथ्य बताती है कि हाँ ये सच है। लेकिन ये ऐसा आंकड़ा आया जिस पे किसी थर्ड पार्टी ने नहीं कहा कि ये सच है, मतलब ये चुनाव शुरू होने के पहले। भाई, बीच चुनाव में एक ऐसा फिर से आंकड़ा आता है जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन 40% से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हकीकत यह है कि 2021 का सेंसस इन्होंने रोक दिया है। भाई साहब, आप 2015 तक का क्यों आंकड़ा देते हो? आप आंकड़ा आपको देना है 2023 का, दोना 2024 चल रहा है, और 2001 का सेंसस का आंकड़ा कहता है कि हिंदू का पॉपुलेशन -2.75% गिरा है और मुस्लिम का -3.53, और 2011 का कहता है कि हिंदू का 3.26 गिरा है तो वही मुसलमान का 4.73 गिरा है। ये सेंसस का आंकड़ा कह रहा है और इसको होम मिनिस्ट्री कराती है, और आप कौन सा आंकड़ा लेकर आए हो? अरे, बीच चुनाव में मान लो हार कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपने घुसपैठिया बोल दिया, पहले ही फेज के बाद आपने बोल दिया वो लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और कल आपने अंबानी और अडानी पर भी बोल दिया, तो रातों रात एक आंकड़ा आ गया उसको छुपाने के लिए, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए, ताकि उन पर डिबेट ना हो। एक ऐसा फर्जी आंकड़ा, अगर हिम्मत है तो सेंसस करवा देते, वो आंकड़ा निकलवा देते, और आप यहाँ बैठकर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो, और आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हो। सर, आंध्र प्रदेश में आपके पार्टी TDP से गठबंधन की है, वही TDP जिसके मैनिफेस्टो में असेंबली इलेक्शन के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की गई है, जो आप हज की बात कर रहे हो, जो आप उसको मस्जिद में भी ₹5,000 per month रिनोवेशन नहीं, नहीं, अब ये जो बात बोल रही है कंचना जी, शिवम, इसका जवाब दीजिए। वो कह रही है TDP से आप गठबंधन करते हैं, ये तो नहीं चलेगा कि एक तरफ आप रिजर्वेशन पर हल्ला बोल रहे हैं। जल्दी से दीजिए, क्योंकि मुझे विनोद बंसल जी के पास जाना है। दुष्यंत जी और जवाब सभी वेट करें। एक तरफ आप मना करेंगे और दूसरी तरफ खुद साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बोलिए बोलिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी अलाय है, अगर उसकी 100% भारतीय जनता पार्टी की तरह विचारधारा होती तो वो अलाय नहीं होता, वो पार्टी होता। हमारा स्टैंड क्लियर है भाई। जहां पर आप लोगों ने दे दिया उस पर बात कर लीजिए। कर्नाटका में दे दिया, तेलंगाना में दे दिया, आंध्रा में देने की कोशिश की, देश में देने की कोशिश की, जहां दे दिया उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, वर्ल्ड में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, हिंदुस्तान उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे आ जाए, जहां पर 400-400 रुपए किलो आटा मिल रहा है। उस रिपोर्ट पर इनको विश्वास होता है, लेकिन अगर यहां पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद से कोई रिपोर्ट आती, कहते नहीं नहीं ये तो फर्जी है जी, इसे मुसलमान कैसे आप ज्यादा हो सकते हैं? ये देश सामने देख रहा है, अपने पड़ोस में देखिए, आसपास देखिए। राजनीति करने के लिए कंचना जी को यहां तक आने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली अगर दूसरे तरफ के लोगों को देखो तो वो जाति में नहीं बढ़ते हैं भाई। आप यहां खड़े होकर, क्योंकि आपका वोट बैंक है तो आप कहते हैं नहीं नहीं मुस्लिम तो बढ़े ही नहीं है। मैं मानता हूं कि आप रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में जो हुआ उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से केरला में होता है आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए हिंदुओं को, आज तो केरला की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्रिश्चियंस ये सवाल उठा रहे हैं कि वो खुद परेशान है, वहां पर खुद वो रोजाना कोर्ट जाते हैं, खुद वहां पर एक क्रिश्चियन प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए थे। रिपोर्ट को डिनाई कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सच्चाई है, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। आज कर लोगे तो शायद सुधार, क्या ये सच्चाई है? तो सुधार के लायक नहीं रहेंगे। शिवम, आपने बोला ये सच्चाई से एक्नॉलेज करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये सच्चाई इस हद तक है विनोद बंसल जी के एक इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी हो जाए, जैसे गिरिराज सिंह कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही थी कांग्रेस, इसीलिए इस तरह से जनसंख्या बढ़ने दी गई। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप देखिए, दुनिया में जहां जहां जब जब जो है ना, भारत के अंदर भी देखें तो हम जब जब हिंदू घटा तब तब देश घटा, देश बटा। आप देखिए, चाहे पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, या अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति, जो परिस्थिति हमें सामने है, या फिर देश के और जो आप देखिए 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के डाटा है सुचरित्रा जी, और 200 से अधिक जिलों में हिंदू नगण्य हो गया है। आखिरकार क्या कारण है?
कि आप आखिरकार ये जो ग्लोबल जो अपनी जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है जिसमें बहुसंख्यक पॉपुलेशन 8% गिर रही है और जो जिसको तथाकथित अल्पसंख्यक कहते हैं, मैं इसको दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहता हूँ, वो 43% से ज्यादा बढ़ी है। हाँ। इसके पीछे कारण में मुझे चिंता ये नहीं है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो डेमोग्राफिक इम्बेलेंस है और जो जो अभी तक वोट जिहाद की बात हो रही थी और जनसंख्या जिहाद की बात हो रही थी, जनसंख्या जिहाद का क्लियर कट वर्डिक्ट इससे सामने इस रिपोर्ट से आता है। आप देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है। आप देखिए जहां पर दुनिया के अंदर जहां जहां भी जब ये अल्पसंख्यक होते हैं तब विक्टिम कार्ड खेल करके वहां के बहुसंख्यक समाज को उत्पीड़ित करने की कोशिश करते हैं और जब जब ये बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वहां के अल्पसंख्यकों को खा जाते हैं। आप देखिए जिस तरह की स्थिति बन रही है वहां पर यान को या तो धर्मांतरित कर दिया जाता है या मार दिया जाता है या पलायन को मजबूर कर दिया जाता है। हाँ। पाकिस्तान देख रहा है, बांग्लादेश देख रहे हैं, हम म्यांमार देख रहे हैं, कई कंट्रीज हैं। आप देखिए हिंदुओं की नहीं बल्कि बौद्धों की भी संख्या बड़ी तेज गति के साथ घटी है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए इसके पीछे मानसिकता क्या है, कहेंगे बात करेंगे संविधान की और कानून चलाएंगे शरीयत का, हमें कहते हैं कि औलाद तो अल्लाह देता है और संसाधन सरकार देगी। क्यों भाई औलाद अल्लाह देता है, अल्लाह की देन है जी, जब बच्चे पैदा हुए अल्लाह की देन, हम कम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ पूछ लीजिए इनसे कि जनसंख्या नियंत्रण नीति कानून लागू करेंगे क्या। मैं कहता हूँ क्यों दिक्कत है मैं आज जो वाइडर डिबेट है विनोद बंसल जी, आज जो वाइडर डिबेट है मैंने उसी से शुरुआत की कि क्या ये समय आ गया है एक ऐसी रिपोर्ट के बाद कि जनसंख्या कानून एक रियलिटी बने। और जब हम क्योंकि हम उस पर चर्चाएं तो बहुत करते हैं लेकिन फिर चर्चाएं करते ही रहते हैं ना, अब बीजेपी भी बात तो करती है, इतने नेता बयान देते करते कुछ नहीं उस पर, ये भी तो बात है, करना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ बयान देते रहेंगे। मुझे लगता है अगली सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। देखो इनकी स्थिति क्या है, ये सरकार की तो मानेगा नहीं। हाँ। लेकिन सरकार से सब कुछ चाहिए इनको, मतलब अच्छा, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है जवाब साहब, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है कि सरकारी संसाधन किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मैं कहती हूँ कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करने का समय आ गया है तो ये जब जो एक प्रपोजल टाइप जो आया था कि भाई जनसंख्या कानून बने तो उसमें ये भी बात आ रही थी कि भाई दो बच्चे हों उसके बाद कोई सरकारी संसाधन नहीं मिलेंगे अगर आप दो से ज्यादा बच्चे करते हैं, क्योंकि इस तरह का कानून लाना कि ब्लैंकेट बैन लग जाए वो तो मुझे नहीं लगता इस देश में मुमकिन है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि भाई एक डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहे। मैं आपको ये भी बताऊं जवाद साहब की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो डेटा का जो विश्लेषण हुआ उसके बाद ये पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, यानी सुरक्षित भी हैं उनकी जनसंख्या में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार-बार हिटबैक भी किया जाता है कि देखिए अल्पसंख्यकों का बुरा हाल कर रहे हैं। जवाब साहब वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। चुनावी समय में जो रिपोर्ट आई है वो चुनावी रिपोर्ट है, उसको सत्य में नहीं मानता। आपको पता है टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का अब कितना है बताएंगे सुचारिता जी, कितना है? या भारतीय जनता पार्टी को बताएं, आइडल 2 होता है और वो हो चुका है। अभी जो हमारी को पैनलिस्ट ने बात करी कि आप सेंसस क्यों नहीं रिलीज करते हैं, भाई डेटा रिलीज करिए, वो रिलीज करते आपकी सच्चाई पोल खुल जाएगी। 3 स्टेट 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आइडल 2 से अधिक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद आसाम है और एक दो स्टेट खुले, ये भी बता दीजिए कौन सी पोल ऐसे खुलेगी। हाँ। अभी आपको पता है एक रिपोर्ट और भी है, आजकल गिरगिट जो है वो बड़ी आत्महत्या कर रहे हैं, आपने देखा सुना काफी गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जैसे वो देखते हैं कि अरे ये हमसे ज्यादा बहुरूपी है, हमसे ज्यादा रंग चेंज करते हैं, तो गिरगिटों ने आत्महत्या करना चालू कर दी भारतीय जनता पार्टी को देख देख के। हर चौराहे पे आप ऐसी रिपोर्ट भी आई है। देखिए क्या है, चुनावी मुद्दों के अंदर जब कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, सर एक बना के रखिए ना जवाब साहब। नहीं नहीं डेकोरम है मैडम, ये भी एक रिपोर्ट हो सकता है। चंदी हम इस लेवल पर बात करने लग जाएंगे तो देखिए क्या है मैडम, आप सुनिए फिर मैं शिवम को भी कह देती हूं, विनोद बंसल जी से भी। मैडम सुनिए, इन इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि रोजगार नहीं, आप बताओ जी, आपको इस पर बीट भी अच्छा कर देंगे, मैं बता रही हूं। किसानों के आय दोगुनी करने का वादा करा था, क्या हो गई? उसकी भी एक रिपोर्ट आना चाहिए थी। जो भयंकर बेरोजगारी इस देश के अंदर फैली हुई है उसके ऊपर भी रिपोर्ट आना चाहिए। इन 10 सालों में कितनी बड़ी और कितनी घटी उस पर बात करना चाहिए। और सुनिए तथ्यात्मक तौर पर आपको बताऊंगा, आपको बता दूं 1872 के अंदर लॉर्ड माओ ने जब भारत के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश और आपका जो अफगानिस्तान और तमाम लोग जो थे मिलकर के थे,
तब भी भारत के अंदर जो पॉपुलेशन थी खास तौर पे माइनॉरिटीज की और मुसलमानों की, वो मेजोरिटी से कम थी जब पहला सर्वे हुआ 1872 के अंदर। और लगातार अगर आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का सभी जगह गिर रहा है। और उसमें बता दूं अभी एक किताब आई थी पॉपुलेशन का, सुनिए संख्या नहीं बढ़ी है उस अनुपात, घट रही है, दोनों की घट रही है, दोनों की घट रही है। और आपको रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं पॉपुलेशन बाय मिथ करके ऐसी रिपोर्ट है, मैडम आप सुनिए, हिंदुओं की नहीं, वो डेकेड वाइज है ना आपने बताया, लेकिन कौन सी रिपोर्ट ऐसा बताती है कि जिस जो जनसंख्या हिंदुओं की थी 1950 में आज उस दर तक नहीं गिरी है और बड़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैं बता रहा हूँ ना आप सुनिए, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मनसुख मांडवे जी ने ये रिपोर्ट बाकायदा करी थी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 से घट करके आइडल 2 हो गया है। हाँ। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है। और दूसरी बुक के हवाले थे तो एस वाई कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी किताब है पॉपुलेशन बाय मिथ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि कहां कहां पॉपुलेशन घट रही है, उसका ताल्लुक जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज से है और अवेयरनेस से है। ठीक है,